दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ईएनटी स्पेशलिस्ट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे केवी स्टूडियो के इस प्रोग्राम में। चलिए सबसे पहले आज हमारे बगल में कुम्हार है, जिन्हें पहले प्रजापति भी बोला जाता है। तो गूंद रहे ना, कौन सा मिट्टी है? केवाल मिट्टी है, पकिया मिट्टी है। कहाँ से? बगल से ही लेते हैं क्या? हाँ, आते हैं यहाँ मेहदरपुर से। कितना मतलब कितना घंटा इसको लगता है बनाने में? बहुत लगता है, बहुत लग जाता है, बहुत मेहनत। समीर से भिड़ते हैं, अभी इधर भिड़ते हैं। कितने साल कर रहे हैं? साल से कर रहे हैं। क्या क्या बनाते हैं? कलशा, चुक्का और कोही, ढकनी, दीप। मतलब कैसे बनाने का क्या प्रोसेस है? मतलब पहले मट्टी गूंथते, उसके बाद गढ़ते हैं। हाँ। गढ़ते हैं, तकर बाद अपन सुखाते हैं, पकाते हैं, कुछ फूटता है, कुछ बचता है। कितना बचता है? कभी कभी एक भट्टा में तो आधा हो जाता है। लगभग क्या साल हो चुका है हमारा बनाते हुए? जी, मतलब हम बच्चे से बनाते हैं। मतलब बहुत साल हो चुका है? हाँ, 10 बरस। मतलब आपके परिवार के और भी लोग ये करते थे क्या? हाँ, हमारा भाई है, दो भाई बनाते हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इनके द्वारा जितना भी बनाया गया हुआ है यहाँ पे पूरा सामान, सबको एक एक सामान को पहले दिखा दीजिए, उसके बाद फिर से इनसे मिलते हैं। आंटी, क्या नाम हुआ आपका? अनीता देवी। लगभग दिन सुबह से लेकर शाम तक इसी काम में लगे रहे? हाँ, ऐसे। मतलब एक अगर ये घड़ा जैसे है, इसको जैसे मिट्टी होता है, फिर उसको घड़ा बनाया जाता है, फिर उसको पक्का किया जाता है, कितना मेहनत लगता है, कितना समय लग जाता है इसमें? ये तो भर दिन लगा है, 8 दिन 10 दिन महीना दिन में ये भट्टा लगाते हैं। 8 दिन 10 मतलब भट्टा लगाना पड़ता है? हाँ। मतलब जैसे ईटा को पकाया जाता है, ईटा का चिमनी होता है, ऐसे इसको पका देते हैं? हाँ, वैसे पका देते हैं। मतलब बहुत जरना उरना भी जमा करना? हाँ, जरना उरना किन कर जरना आनते हैं। कितना एकरा से कमाई लै छिए? कितना कमाई? मजदूरी केन कमाई छै? कितना के मजदूरी? मतलब इतना छै कि भरण पोषण अहाँ हो जाए छै? हाँ। कै साल से अहाँ इनका साथ दे रहल छियै काम में? एक साल से तऽ हमरा लड़का हो गेलै 18 साल। लड़का के 18 साल, मतलब 20-22 साल हो गेलै, बहुत समय से। मिट्टी कहाँ से आनै छै सब लोग? ओ तो मिट्टी अभी पहिने में बगलो मिले, आब तो दूर से मिले छै। दूर से मिट्टी आनै छियै तऽ ओकर बाद बनबै छियै? हाँ। मतलब मिट्टियो में तो बहुत मेहनत करै पड़ै छै। 1000 रुपये टिप दै छथिन। अच्छा, मिट्टी खरीदे पड़े? हाँ, मिट्टी खरीदे पड़े। ऐसे तो गांव छे, तभी वो मिट्टी खरीदे पड़े? हाँ, मिट्टी खरीदे पड़े। चलिए, बैदरपुर से मिट्टी आवे छे 1000 रुपये टिप। चिमनी से जहाँ से मतलब ईटा के लिए मिट्टी होता, वहीं से इन लोगों को भी मिट्टी खरीदना पड़ता। मुझे तो लगा गांव है, गांव में मिट्टी बगल में ही मिलता होगा। चलिए, आप सभी से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, और साथ ही हमारे चैनल के तरफ से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इनके जैसे कुछ कह रहे क्या? साथ ही आप सभी से अपील भी रहेगा हमारे टीम की तरफ से, हमारे तरफ से,
इनके जैसे जो भी दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर हैं, जिनका जीविका इन पे निर्भर करता है, जिनकी रोजी रोटी इन पे निर्भर करती है, तो आप लोग इनसे सामान खरीदें और रेडीमेड की दुनिया में नहीं जाएं और इनके बारे में भी थोड़ा सोचें, क्योंकि ये लोग आप पे डिपेंडेंट है। चलिए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अपील रहेगा कि एक लाइक और एक कमेंट जरूर बनता है इस वीडियो पे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे शेयर करें, अपना प्यार दें, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और हम भी चाहेंगे कि ऐसे ऐसे जो भी हमारे आसपास में जो भी छोटे मोटे कलाकार हैं या दुकान वाले हैं, जो भी है, उन्हें प्रमोट करें, उन्हें आगे लाए, क्योंकि आपके व्यू, आपके जो शेयर होते हैं, आपके कमेंट होते हैं, उसी पर हम लोग मोटिवेट होते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी वीडियो देखने के लिए। साथ ही अपील करना चाहूंगी, जो भी हमारे चैनल से भी नए जुड़े हुए हैं, हमारा चैनल जो कि केबीटीवी बिहार, साथ ही डॉक्टर रसमकर, दोनों को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, मिलते हैं इसी तरीके किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। आपके पास एंड्रॉइड